नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के बारे में। तो कच्चे कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट लाने के लिए जताया आभार, कच्चे कर्मचारियों ने अपना आभार जताया है जॉब सिक्योरिटी एक्ट लेके आने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी। अगर आपको हर अपडेट चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, 19,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष आशीष गोरा ने संघ के पदाधिकारी के साथ शनिवार को नव निर्वाचित विधायक कंवर सिंह यादव से मिलकर उन्हें जीत की बधाई दी। सभी पदाधिकारी ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट लाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह का आभार जताया। उन्होंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द एक्ट को धरातल पर लागू किया जाए। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला सचिव कर्मवीर जाखड़, जिला सलाहकार चिंतामणि गुप्ता जो है ये कर्मचारी हैं जो ये मौजूद रहे, ठीक है। तो इन कर्मचारियों ने जो है भारतीय मजदूर संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ अपना आभार जताया है कि कच्चे कर्मचारियों के लिए जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है वो जल्दी से जल्दी धरातल पर भी लागू किया जाए। आगे बात करें हुक्टा का अनुबंधित प्रत्याधिकों के लिए विधायक को ज्ञापन, इन्होंने भी जो है जॉब सिक्योरिटी की मांग की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरविंद शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। और हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन यानी हुक्टा ने अनुबंधित प्रत्याधिकों के लिए सेवा सुरक्षा की मांग की है। इसको लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार के उपप्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक के साथ नेतृत्व में गोहाना हल्के के भाजपा विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम भाजपा नेता बलराम कौशिक ने ज्ञापन सौंपा। हुक्टा के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम और 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने विधानसभा के चुनाव से पहले सेवा की सुरक्षा प्रदान कर दी थी। इसके बावजूद वे अनुबंधित प्राध्यापक जिनका न्यूनतम बेसिक पे वेतन 57,700 रुपये है, वे इस व्यवस्था के दायरे में आने से चूक गए थे। उन्होंने कहा कि हुक्टा जिन अनुबंधित प्राध्यापकों के लिए संघर्ष कर रही है उनकी नियुक्ति निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन करते हुए की गई है। अपने पद की समस्त आर्ताओं को पूरा भी करते हैं लेकिन वेतन 50,000 से अधिक होने के कारण सेवा सुरक्षा से वंचित रह गए। अब हुक्टा चाहता है कि ऐसे अनुबंधित प्राध्यापकों के लिए 50,000 मासिक वेतन की सीमा को बढ़ाया जाए और उन्हें भी 60 साल की सेवा काल के लिए रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे में उन्होंने भाजपा विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम ज्ञापन कहा कि ऐसे प्राध्यापकों के पदों को रिक्त न माना जाए और उनके लिए जो है पदों को छोड़कर बाकी बचने वाले पदों के लिए नियमित नियुक्तियाँ की जाएँ। इन्होंने जो पद हैं वो नियमित जो है पद वही खाली दिखाने के लिए मांग की है कि जिन पदों पर हम लगे हुए हैं वो खाली ना दिखाए जाएं और 57,000 यानी 50,000 से जिनकी ज़्यादा सैलरी है उनको शामिल किया जाए। तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है, जो 0 से 5 वाले हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं। मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूँ लेकिन बहुत से कर्मचारियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। यानी 50,000 प्लस वालों को शामिल करना यानी कि इसके अंदर अमेंडमेंट होना, ठीक है। और एक अमेंडमेंट हो सकता है, जब एक लाइन लिखी जा सकती है कि 50,000 से प्लस वाले भी इसमें शामिल होंगे तो ये भी लिखा जा सकता है कि 5 साल होते ही कर्मचारियों को शामिल किया जाए, ठीक है। लेकिन बहुत से कर्मचारियों को ये बात समझ में नहीं आई हो रही होगी, ठीक है। आप किस डिपार्टमेंट से हो, कितना एक्सपीरियंस है, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और सभी से यही रहेगी कि 0 से 5 वाले जो हैं, 0 से 5 साल वाले जो हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी मिलनी शुरू हुई है, ठीक है, आपके पास टाइम है। जैसे इनके पास टाइम ना, हुक्टा एसोसिएशन है जो, इन्होंने जैसे मांग की है आप भी मांग कर सकते हैं। अधिकारियों से मिलोगे जो MLA बने हैं, विधायक जो हैं, उनको अगर अपना ज्ञापन दोगे कि 0 से 5 वालों को अगर आप शामिल नहीं कर रहे तो कम से कम इतना ज़रूर कर दें कि 5 साल होते ही हमको शामिल कर लिया जाए। ऐसा ज़रूर अमेंडमेंट कर दें कि 5 साल जैसे ही होंगे, अगर आज किसी के 4 साल 11 महीने 18 दिन हैं तो 12 दिन के बाद वो 5 साल पूरे कर रहा है तो उसको भी शामिल किया जाए। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ये, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ ऑर्डिनेंस आया है, ठीक है, वो लागू नहीं हुआ है, इसमें जो पास नहीं हुआ, मतलब कि जो आपको पता विधेयक लेके आने वाले हैं उस टाइम तक ये हो सकता है, ठीक है। जैसे इन्होंने अनुबंधित प्राध्यापकों ने मांग की है ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, वही बात है, लेकिन एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है, आगे आना पड़ेगा, इसके लिए MLO से मिलना पड़ेगा, ज्ञापन देने पड़ेंगे उनको, आपकी बात ऊपर जाएगी फिर उस पर गौर फरमाया जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, बाकी आपको करना आप सभी को है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी।